नमस्कार, मैं व्यक्ति योगेश जैन आप सभी का गुणवाला हर्बल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे गुणवाला हर्बल संस्थान के तीसरे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में है, यानी जिसकी पब्लिक डिमांड काफी है। बिकॉज उसका रीजन जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, कुछ रीजन आपके हार्मोनल से जुड़े हुए हैं, कुछ रीजन आपके अनियमित दिनचर्या से या अनियमित खान पान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो बना है मोटापा के लिए और मैद्विन टेबलेट की जानकारी के बारे में। तो मित्रों, हमारा यह जो प्रोडक्ट आता है इसका नाम है हमारा गुणमाला हर्बल का गुणमाला मैद्विन टेबलेट। यह टेबलेट क्या है इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो मैद्विन टेबलेट है विशुद्ध रूप से बनी हुई जड़ी बूटियों के संगम से बना हुआ उत्पाद है ये। इसको टेबलेट में बनाया गया है। एक उत्पाद हमारा पाउडर फॉर्म में है। टेबलेट उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको पाउडर लेने में कठिनाई होती है, पर इसके निर्माण में भी ये चीज बहुत ध्यान रखी जाती है कि इसमें किसी भी तरह की जिलेटिन कोटिंग ना हो। जिलेटिन इट मींस एक बारीक पतली परत होती है जो आमतौर पे आप लोग पैरासिटामोल या कुछ भी एलोपैथिक ड्रग वगैरह लेते हैं, और अभी तो आज जो एज ए सेलिंग पर्पज ने लोगों ने हर्बल के नाम से एलोपैथ देना चालू कर दिया है, तो वो लोग भी अपने जिलेटिन वाली टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो टेबलेट, आप ये ध्यान रखिए, जो टेबलेट बहुत ज़्यादा चिकनी है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा द्रव्य मिला हुआ है जो उसको चिकना बनाया हुआ है, जो आपके मेद के लिए यानी आपके फैट के लिए यानी आपके मोटापे के लिए बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का नहीं। यानी आपके पाचन के लिए वो सही नहीं है। और जितने भी कैप्सूल भारत में या आउट ऑफ इंडिया जो वेज कैप्सूल के नाम से बिकते हैं, सारे के सारे 99% जिलेटिन वाले आते हैं। वेज का टैग लगाया जाता है और जिलेटिन दिया जाता है, ये इसकी सत्यता है। क्योंकि वेज कैप्सूल में जो सामग्री एक्सट्रैक्ट के रूप में पड़ेगी उसका लंबे समय सुरक्षित होना, जिलेटिन में वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकती है, इसलिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम नहीं कह सकते कि जिलेटिन पूरी तरह नुकसानदायक होता है, पर पूरी तरह फायदेमंद भी नहीं होता है। तो हमारा आपसे यह विनम्र निवेदन रहेगा कि वही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जो जिलेटिन युक्त न हो, जिलेटिन मुक्त हो। तो इसी निर्माण क्रम में हम लोग टेबलेट का जो निर्माण करते हैं मैद्विन, वो पूरी तरह विशुद्ध रहती है, इसमें शुद्धता पूरी रहती है। क्योंकि पहली बात यह है कि यह आयुर्वेदिक अथॉरिटी यानी आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड रहती है, और आयुष डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। जितनी इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई जाती है वो सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ विशुद्ध रूप से एज ए फूड सप्लीमेंट का काम करती है। तो यह आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह के आपके ऑर्गन्स पे कोई हानिकारक इम्पैक्ट इसका नहीं जाता है। इसका जो आकृति रहता है वो आप समझ लीजिए एज ए हाजमोला टाइप इसका रहता है। तो हाजमोला जैसी ये गोलियां रहती हैं इस तरह से। तो इन गोलियों में ये जो आप टेबलेट देख रहे हैं तो इस तरह की ये गोलियां रहती हैं। तो ये गोलियां आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप कभी चवाइंग करना चाहे तो चबा सकते हैं, वरना हमारा तो रिकमेंडेशन रहता है, क्योंकि इसमें औषधियां रहती है तो आपको थोड़ा अटपटा ही टेस्ट रहेगा, तो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप इसको डायरेक्ट निगल लीजिए और हल्के गर्म पानी के साथ। उसके बारे में हम बात करेंगे कि आगे कि इसकी खुराक क्या है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मेरा आपको जो बताने का है वो है ये इसका निर्माण का, ठीक है। तो ये इस तरह से बनी हुई होती है। अब आगे हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, वो है मैद्विन में क्या क्या इंग्रेडिएंट सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट रहते हैं
वो इंग्रेडिएंट है इसके। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है शुद्ध गुगल। और शुद्ध गुगल जो होती है वो न केवल आपके मोटापे पे असर करती है अभी तो इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे जॉइंट पेन में बहुत अच्छा बेनिफिट्स है इसका। इसके अलावा मेद को तो कम करती है, एलडीएल का असर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये इसमें पहला इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है शुद्ध गुगल। और शुद्ध गुगल का जो इसमें कंटेंट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली मेदोहर गुगल इसका एक समीपक्ष टेबलेट आता है जिसको डाबर, ऊंजा, कलाड़ा, झंडू, बेदा, हिंदुस्तान की 2500 कंपनियाँ बनाती हैं, वैसा ही मेदोहर गुगल हम भी बनाते हैं एज ए गुणमाला हर्बल में। पर गुणमाला हर्बल मेदोहर गुगल या डाबर मेदोहर गुगल या बैद्यनाथ मेदोहर गुगल, तो मेदोहर गुगल में दोस्तों ये रहता है कि उसमें गुगल की यानी शुद्ध गुगल की मात्रा को छेड़ा नहीं जा सकता। यानी अगर उसमें 1 ग्राम लिखा गया है शास्त्र में तो उसमें 1 ग्राम ही डालेंगे। अगर उसको हमें मालूम है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है पर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए पेटेंट औषधियाँ बनाई जाती है। तो ये पेटेंट प्रोडक्ट आता है। एक आता है आयुर्वेद में, दूसरा डिवीजन वो क्लासिकल है, ये पेटेंट डिवीजन है। तो इसका पहला कंटेंट जो है वो शुद्ध गुगल है। उसके बाद दशमूल काढ़ा है, आंवले की है, हरित की है, विभीत की है, निर्गुंडी है, इस तरह की 15 से अधिक औषधियों का इसमें एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है और एक्सट्रैक्ट मिलाने के बाद इसको बनाया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसको लेने का तरीका क्या है। तो इंग्रेडिएंट के बारे में आपको हम बता चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसकी डोज क्या है, लेने का तरीका क्या है। एक्चुअली इसको 10 साल की आयु से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है मेदविन टेबलेट का। बट लेने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। बच्चों में इसकी डोज जो है अमूमन जिनकी उम्र 10 साल से 18 साल या 20 साल की आयु है उनको एक एक गोली सुबह शाम ली जाती है। सुबह जैसे लाइक आप बच्चे जो हैं अगर ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी जो भी गर्म पे पीते हैं तो जो इसमें वरीयता है, जो प्योरिटी है, यानी जो फर्स्ट आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए गर्म ग्रीन टी या गर्म पानी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके 10 मिनट बाद आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे आप लेना चाहें तो चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। बस आधा घंटे तक आपको अन्न नहीं खाना है, आपके पेट में किसी भी तरह का अन्न नहीं जाना चाहिए। लिक्विड फॉर्म आप 10 मिनट बाद कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जब मोटापा कम कर रहे हैं तो नमक और शक्कर दोनों को थोड़ा कम यूज़ करना स्टार्ट करिएगा। शक्कर तो हम कहते हैं पूरी तरह बंद कर दीजिएगा, उसके जगह मीठे में आप गुड़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। और नमक को पूरी तरह बंद नहीं कराते हैं हम, नमक आप जो यूज़ करते हैं उसको थोड़ा हटाकर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चालू करिए अगर आपको जल्दी परिणाम लेने हैं तो। अदरवाइज जो आप नॉर्मल कर रहे हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो डोज जो लेने का तरीका है वो तरीका है बच्चों में एक गोली सुबह नाश्ता करने के पहले या नाश्ता करने के बाद, जो भी टाइम सुटेबल रहे उनको, उनको कंफर्ट जोन में रहे उस टाइम पे ले सकते हैं सुबह के समय। रात में ध्यान रखना है खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी डिनर अगर बच्चों ने किया है 8 बजे और सोते समय यानी स्लीपिंग टाइम पर लास्ट मोमेंट पर ये देना है एक गोली हल्के गर्म पानी के साथ। हल्का गर्म पानी यानी आपने एक गिलास लिया, एक गिलास के साथ आपने अपना गुनगुना पानी जो है आपने वो आपने ऐसे ग्लास में भरा, उसके बाद आपको इसमें से टैबलेट निकालना है और एक गोली बच्चे को देना है रात में सोते समय हल्के गर्म पानी के साथ। अब रहा बड़ों के लिए, यानी ये बच्चों की डोज हो गई। अब जिनकी उम्र टर्निंग 20 से ऊपर है तो उनको कितना, तो उनके लिए सामान्य तौर पे उनके लिए हो जाती है 2-2 टेबलेट, यानी ये 2 टेबलेट सुबह नाश्ते के पहले और 2 टेबलेट रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद हल्के गर्म पानी के साथ, तो ये इसकी डोज है। हाँ, आपके मन में ये सवाल होगा कि रात में सोते समय आप कोई दवा लेते हैं, चाहे एलोपैथ की, चाहे होम्योपैथ की, चाहे यूनानी की, चाहे आयुर्वेदिक, तो उसके साथ इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये करिएगा आधा घंटे का ऊपर नीचे गैप कर लीजिएगा, या तो आधा घंटा पहले उसको ले लीजिएगा या आधा घंटा पहले इसको ले लीजिएगा, जैसा आपको कंफर्ट रहे।
दूसरा पॉइंट आपके मन में ये रहेगा कि हमें थायराइड है, हम मॉर्निंग में अल्ट्रॉक्सिन, थायरानोम या थायरोक्स कोई दवा लेते हैं तो खाली पेट इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपनी थायराइड को मेंटेन करने के लिए, लेवल को मेंटेन करने के लिए जो टैबलेट्स आप एलोपैथिक ड्रग में ले रहे हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप डॉक्टर्स ने जो भी आपको रिकमेंडेशन दी है, तो उसको सबसे पहले ले लीजिए। उसके आधे घंटे बाद इसको ले सकते हैं आप हल्के गर्म पानी के साथ। तो ये इसके प्रॉपर लेने का तरीका है। तीसरा पॉइंट अगर आपको हो सकता है आपके मन में रहे कि हमें जिनको देनी है या हमें लेनी है या फिर हमें किसी को रिकमेंड करना है फैमिली में और उसको क्रिटिकल डिजीज है, जैसे आप उनको हाइपरटेंशन है, जैसे उनको हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे उनको हार्ट सर्जरी हुआ हुआ है, जैसे उनका ब्रेन सर्जरी हुआ हुआ है, जैसे उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है, इस टाइप के जो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं, तो उनको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको दे सकते हैं, उनके अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट का काम करेगा। बट अगर कुछ ऐसी डिफिकल्टीज, अगर हाई डोज ले रहे हैं एलोपैथिक ड्रग का वो, तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज ये सभी के लिए सामान्य तौर पर सभी ले सकते हैं, बिकॉज ये एज ए फूड सप्लीमेंट है। जैसे चपाती खाने के लिए किसी डॉक्टर्स की परामर्श की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, एज ए वो रहता है, तो इसको सभी ले सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया होगा, तो इसके लेने का तरीका आप जान गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। मेदविन बेनिफिट्स क्या देती है, इसको लेने से क्या बेनिफिट्स रहते हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि जो आपका बढ़ता हुआ वजन है उसी के ऊपर आप रोक लगा देते हो, यानी उसको बढ़ना बंद करवा देते हो आप। दूसरा जो इसका बेनिफिट्स है, दूसरा बेनिफिट्स इसका रहता है जॉइंट पेन के बारे में। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और जॉइंट बहुत दुखते हैं, तो वो सीधी सी बात है, आपका जो टमी है, जो बेली फैट है, टमी का फैट है, वो उसका भार कहाँ जाएगा? वो जॉइंट पे ही जाएगा। तो जॉइंट में जो अपनी गद्दी होती है वो घिसना भी स्टार्ट होती है, टखनों में टक टक की आवाज भी आने लगती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक इसका इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है शुद्ध गुगल। शुद्ध गुगल जोड़ों के दर्द में काफी अच्छा लाभ देती है, तो वो इसमें मिलाया जाता है। तो ये इसका सेकंड बेनिफिट है कि जोड़ों का दर्द भी इससे कम होता है, ये नहीं खत्म होता है पर कम जरूर होता है। तो आप इसके इस्तेमाल से ये बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसका जो है वो है आपका बिगड़ा हुआ पाचन सुधारना, यानी आपके डाइजेशन को कम्प्लीटली ये सुधार देती है। क्योंकि जो मोटापे के कारण है उसका सबसे बड़ा कारण है आपका पाचन तंत्र का बिगड़ा होना। अगर आपका पाचन सही रहा, आपका लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा, यानी जैसे हम कहते हैं कि आपके जठराग्नि अगर प्रबल है तो आप जो भी खाओगे सब पचा दोगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बाहर निकाल दोगे, तो वो फेट में तब्दीली नहीं होने देगा। तो ये आपके पाचन को सुधार देती है, तो ये इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। चौथा जो इसका बेनिफिट है, तो इसमें कुछ ऐसी द्रव्य मिले हुए हैं जो आपके एलडीएल के असर को कम करते हैं, यानी ब्लड में जो एलिमेंट्स है जो खासकर एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो एलडीएल को रिमूव करने, कम करने का ये बहुत अच्छा समाधान है। तो इससे आपके हार्ट पे, यानी आपकी जो ये वाहिनियां हैं उनमें एलडीएल का असर कम होने से हार्ट पे इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव जाता है, जो अभी तक नेगेटिव जा रहा था। पांचवा और अंतिम है उनके लिए जो लंबे समय से थायराइड पेशेंट है, तो आपका जो टीएसएच अप और डाउन रहता है उसको नॉर्मलाइज करने में और उसको सपोर्ट करने में, और आपकी जो टेबलेट्स चल रही है खासकर आपकी अल्ट्रॉक्सिन, थायरानोम, थायरोक्स जो भी चल रही है उसको, उसकी डोज को ओवर ना होने देती है ये। जैसे अगर कोई 25 mg से आपकी चालू हुई थी और आज आप 150 mg ले रहे हो, तो वो 150 को स्टॉप कर देगी, ये धीरे धीरे फिर उसका घटना स्टार्ट करेगी, यानी आगे बढ़ने नहीं देगी। ये नहीं होगा इसको लेने से आप फिर जो अभी ले रहे हैं 150 mg से दवाई, वो तो जाना ही है आपका, पर वो कम करना स्टार्ट करेगी, इसका सपोर्ट उसको मिलता है, ठीक है? तो ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसका असर की, जो कॉमन आप लोगों का, हमारे दिन भर जो हमें कॉल आते हैं आप लोगों के, जब आप इन प्रोडक्ट्स को अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अन्य सोशल मीडिया टूल्स पे देखते हो, तो आपके जो कॉल्स आते हैं कि सर ये कब तक असर करेगी या कब तक इसको ले सकते हैं, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके असर की।
असर तो ऐसा है कि अगर आप इसको 21 डेज कंटिन्यू लेते हो यानी 3 सप्ताह लेते हो, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको रियलाइज करा देते हैं कि बॉडी पे कुछ तो हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका 1 महीना 2 महीने या 4 महीने में वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जितना समय आपने इसको बढ़ाने के लिए दिया है उतना समय आपको नेचुरल वे में घटाने के लिए देना ही पड़ेगा। बट ये है विद इन 1 मंथ में काफी हद तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बिकॉज ये न केवल मोटापा कम करने के लिए नहीं है, इसके साथ ये सिम्टोमेटिक असर बहुत करती है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे मोटापे के कारण जो जॉइंट वगैरह ये जो समस्या है उस पे इसका सिम्टोमेटिक असर होता है, यानी गोली एक है फायदे अनेक है। तो इसका असर जो है वो ऐसा नहीं है कि अपन ने गोली खाई तब तक ही असर है, इसका असर लंबे समय तक है। तो इस वजह से इसका जो असर है 1 महीना अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, काफी पेशेंट को ऐसा भी रहता है कि 2-5 किलो वजन कम हो जाता है, पर कोई पैरामीटर हमने आज दिन तक इसका ऐसा रखा नहीं है इसको उस पैरामीटर में कि आप 1 महीना खाएंगे 5 किलो वजन कम करेंगे 2 किलो कम करेंगे, ऐसा कोई पैरामीटर बना नहीं है, क्योंकि ये अपने बॉडी के एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि अपना शरीर कितना इसको सपोर्ट करता है। आपको लंबे समय लेने के लिए ही इसको क्राफ्ट किया गया है, इसीलिए इसको जिलेटिन मुक्त बनाया गया है, इसीलिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलाया गया है कि जो आपको सडनली इम्पैक्ट दे और उसके जब बंद करो तो उसका वापस रिवर्स इफेक्ट हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट इसमें बनाया नहीं गया है, पूरी तरह विशुद्ध बनाया गया है। इसीलिए बच्चों से बड़ों तक या क्रिटिकल डिजीज वालों तक सभी ले सकते हैं। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका असर कैसे होगा। हाँ, दूसरा सवाल आपके मन में ये रहेगा, क्या हम लंबे समय तक ले सकते हैं? तो डेफिनेटली इसको क्राफ्टी इसीलिए किया गया है कि आप इसे लंबे समय ले सकें, यानी ये उन लोगों के लिए अमृत समान औषधि है जिन लोगों का सिटिंग वर्क ज्यादा है, यानी वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, यानी कई ऐसे प्रोफेशनल में हैं लोग जिनका सिटिंग ही रहता है, जैसे बैंकिंग है, LIC है, या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, या जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का फिजिकल वर्क बहुत कम होता है, न के बराबर, पर उनका सिटिंग वर्क 100% होता है, यानी उन्होंने खाना भी खाया और बैठे बैठे ही खाया और वहीं बैठे रह गए, वहीं काम करना स्टार्ट कर दिया, रात में उठे शाम को उठे थोड़ा बहुत चले फिरे फिर आपस से खाना खाया और सो गए। तो अब आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो खाने में तो उनको और ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि सिटिंग कर रहे हैं तो उनका मन करेगा कि हम ये भी खाएं वो भी खाएं ये भी खाएं, क्योंकि खाने में कंट्रोल रहेगा नहीं तो वसा तो बढ़ेगी उनकी। अब वो एक्स्ट्रा जो जो ले रहे हैं कैलोरीज तो बर्न कर नहीं रहे हैं, तो जो अंदर जा रहा है वो फैट में ही तब्दील होना है, तो उन लोगों के लिए ये सपोर्टिव है, तो वो लोग लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही चाहिए उनको, ताकि उनको मोटापे के कारण जो डिजीज होती है जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनमें BP है, जिनमें LDL का असर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, जिनमें श्वास का फूलना है, जिनमें थकान का रहना है, जिनमें एनर्जी का अनुभव कम होना है, जिनमें सेक्स क्षमता का विकास कम, मतलब जो सेक्स पावर है वो कम हो जाता है बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी कम हो जाती है, इसके अलावा जिनको हार्ट डिजीज हो जाती है, तो उन लोगों की कई बीमारियों का समाधान ये एक आप मान सकते हो मेदविन टेबलेट को, कि एक गोली आपके लिए कितना प्रभावशाली है। तो ये इसका असर है, आप इसको उस वे में कभी मत खाइएगा कि हमें 1 महीना देखना है फिर उसके बाद कभी नहीं यूज करेंगे, तो ऐसा कोई इसको क्राफ्ट करने का हमारा मोटिव नहीं रहा, और जो हमारे लाखों कस्टमर है टालो और इंडिया सालों से यूज कर रहे हैं उनका ही मोटो यही है कि हमारा जो BMI लेवल हो वो परफेक्ट हो, और ये परफेक्ट हो चुका है वो आगे बना रहे, तो उसके लिए ही इसको यूज किया जाता है। तो आई होप आप पूरी तरह से आपके माइंड में क्लैरिफाई हो गया होगा। हाँ, 1 माह में कुछ असर दिखता है, पर लंबे समय लेने वाली औषधि है, क्योंकि लंबे समय से आप वेट बढ़ा रहे हो तो उतना ही लंबा समय नेचुरल वे में बॉडी को एडोप्ट होने में लगेगा। अगर सडनली आपका वेट कम होने लग गया तो जो पैरामीटर है बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस पर इसका नेगेटिव इम्पेक्ट चला जाएगा वेट कम होने का, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इसलिए इसमें जो औषधियां डाली गई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। हाँ, मोटापा कई बीमारियों की जड़ जरूर कही जाती है, पर इसका सबसे जो गंदा प्रभाव होता है वो होता है पेशेंट के व्यक्तित्व पे,
यानी उसकी पर्सनालिटी उसके अंदर हीन भावना पैदा कर देता है। उसको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा फेट बड़ा हुआ है, मैं ये नहीं काम कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो वो हीन भावना को मैं कह सकता हूँ, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव थिंकिंग जन्म लेगी कि आपको इससे मोटापे से लड़ने में सहायता यह टेबलेट प्रदान करेगी। तो आगे हम बात करेंगे कि ये कहाँ मिलेगी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और भी कई सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है वहाँ पे भी अवेलेबल है। बट अभी प्योरिटी में मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दोनों लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के। तो वहाँ जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपने फैट को कम करके अपने जीवन को आरोग्य, अपने जीवन का जो आरोग्य है उसके अंदर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखे हैं वहां जाके आप इजीली इसको ले सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हम जब सोशल मीडिया देखते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखते हैं फैट कम करने के लिए, तो ये उससे डिफरेंट क्या है? वो भी वैसा ही दावा करते हैं, आप भी वैसा ही कर रहे हो, या आप लोगों के मन में होगा कि पहले हमने काफी सारे उत्पाद यूज कर लिए, इसमें वो बात नहीं हुई तो क्या होगा? तो ऐसा है भैया, सबसे पहली बात कि ये और वो में पहला अंतर तो मैंने आपको वो जिलेटिन वाला जो वीडियो के पहले में इंट्रोड्यूस कराया था तभी बता दिया था कि वो लोग हर्बल के नाम से आज सब कुछ धड़ल्ले से बिक रहा है। दूसरा, ये सक्सेसफुली ड्राइव इसलिए मैं कहता हूँ इसको क्योंकि पर्सनली तौर पर मैंने हजारों लाखों पेशेंटों को देखकर उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराया है। तीसरा, इसको हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इवेंट जितने टाल ओवर इंडिया होते हैं, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी ले लो या अटक से कटक ले लो, हमारा ये टाल ओवर इंडिया बिफोर कोरोना, जब कोरोना वायरस इंडिया में नहीं आया था, तो ये हमारा ऑलरेडी हम लोग इवेंट्स में इसको इंट्रोड्यूस करते थे और हमारे पेशेंट एट ऑल ओवर इंडिया इसके बने हुए हैं, जो हमें कॉल करते हैं चाहे फेसबुक पे हम या चाहे व्हाट्सएप पे, हमारे डेली ऑर्डर इसके आते हैं और रेगुलर यूजर हैं इसके, तो 100% इसका इम्पेक्ट रहता है। बस जो मैंने आपको बताई है वो कंडीशन को आपको फॉलो करना है और इसके इसको जल्दी इम्पैक्ट के लिए क्या करना चाहिए, तो एक ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा बन चुका है और ज़्यादा बड़ा बना नहीं सकते हैं, तो एक दूसरा वीडियो जो बनेगा उसमें मोटापे के कारण, समाधान, निदान और आगे न बढ़े उसके लिए क्या परिवर्तन आपकी लाइफ स्टाइल में होना चाहिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इसके डिफरेंट की अदर प्रोडक्ट्स से, तो ये चौथा इम्पैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट ये है कि हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी इसको कर चुके हैं एज ए इवेंट में, और बाकी हमारा खादी ग्राम उद्योग का है, प्रगति मैदान दिल्ली IITF है हमारा, इसके अलावा जितने नेशनल और इंटरनेशनल है इवेंट्स उसमें ऑलरेडी हम लोग पिछले सन 2003 से यानी 2003 से बिफोर कोरोना तक हमने काफ़ी सारे इवेंट्स में इसको इंट्रोड्यूस कराया भी है और वेल नाउन है हमारे यूजर के लिए। बट सोशल मीडिया पे एज ए यूट्यूब पे तो पिछले एक महीने से अभी चालू किया और ये तीसरा ही वीडियो है और तीसरा वीडियो ही इसी के लिए है, तो आप समझ चुके होंगे कि कितना डिफरेंट होगा ये। और चौथा तो आपको डिफरेंट ज़्यादा मालूम करने के लिए यूज़ तो करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि बिना यूज़ किए तो कोई परिणाम आते नहीं है, तो यूज़ तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो फैट कम हो तो थोड़ा विश्वास करके इसको इस्तेमाल तो एक बार जरूर करिए, बिकॉज हाँ मैं ये एक बात आपसे कमिटमेंट में कहता हूँ कि अगर इससे वेट कम नहीं हो सकता तो आपका किसी आयुर्वेद ने मेडिसिन से वेट कम नहीं होगा, फिर आपको कुछ नेचुरोपैथी आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको इजी वे में वेट कम करना है और बढ़ते हुए वेट पे आपको रोक लगानी है तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार उत्पाद है गुणमाला हर्बल ऑयल संस्था का। अभी तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है और यही वीडियो अमेजोन पे अभी इस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में डल जाने वाला है, तो वहाँ आप देखेंगे ही, ये यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। तो आगे बात करेंगे, फिर एक अलग वीडियो आने वाला है उसमें कारण, समाधान सभी कुछ होगा, आगे अपन फिर बात करेंगे, ठीक है? तो अब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, नीचे घंटा दे रहा है घंटा ही बजा देना ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आपसे एक निवेदन है कि
कि घर परिवार में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में या यार दोस्तों में जो भी है जिसको मोटापा है, एक बार उसको आप बता सकते हैं। लेना ना लेना वो उसके माइंडसेट पे निर्भर है, उसकी थॉट प्रोसेस पे निर्भर है, पर आप इतना कर सकते हो कि आप उनको बता सकते हो। या फिर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इसको फेसबुक पे अपने शेयर भी कर सकते हो। जितना शेयर करोगे उतना हो सकता है किसी को ये मिले और उसको बेनिफिट्स मिले, और बेनिफिट मिलने के बाद वो आपको थैंक यू कहे, तो सोशल मीडिया का सही उपयोग हो जाएगा, डेटा का सही उपयोग हो जाएगा। तो इतना कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे मिलते हैं नए वीडियो में, और जो वो वीडियो होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो वीडियो इसलिए है कि आप अगर फिट हैं तो फिट कैसे और बने रहें उसके बारे में ये वीडियो है। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें, और परमात्मा करे आप मस्त रहें। धन्यवाद।